बोले जय श्री राम सभी को। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ भगवान का मुकदमा यहाँ की अदालतों में चल रहा है। बड़ी शर्म आनी चाहिए। इस देश के भगवान इतने लाचार नहीं हो गए हैं कि तंबू के नीचे रह सकें और हम महलों में सोए रहें। ये वक्त आ चुका है जब राम मंदिर को बनाना है और यह हम सबको कसम खाना है कि राम मंदिर वहीं बनाना है। अरे क्यों नहीं बनेगा, राम जी यहीं पैदा हुए थे, आपको उसके अवशेष भी मिल चुके हैं, उन्हीं का देश है, वो यहीं जन्मे हैं, इसके आपके पास सारे सबूत हैं। तो बनना ही चाहिए। हर पार्टी आ रही है, हर कोई कह रहा है राम मंदिर बने, अयोध्या में राम मंदिर बने, राम मंदिर का विवाद तो काफी टाइम से चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो ये क्या लगता है कौन सी पार्टी होती है? देखिए राम मंदिर विवाद नहीं बना है, बनाया गया है। राम मंदिर को राजनीतिक दलालों ने राजनीतिक विवाद बनाया है कि पार्टियां अपने वोटों के चक्कर में, अपने किस्मत आजमाने के चक्कर में बदनाम कर रही हैं और हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर हिंदू मुस्लिम की एक दूसरे से बुराई करके वोट पाने के चक्कर में ये विवाद बनाया हुआ है। पार्टियां अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलाएंगी, पार्टी जब तक रही तब तक ये मैटर नहीं चला, जब हम वो पार्टी आई है जिसको इस राम मंदिर को बनाना है तब ये मुद्दा गर्म हुआ है। हम मानते हैं ये मुद्दा गर्म हुआ है, लेकिन उसी पार्टी ने किया है जिसको ये मंदिर बनाना है। ये जब जाहिर है, आप मीडिया उठा के देखिए, पुराने किसी भी स्टेटमेंट में देखिए कितने मुसलमानों ने समर्थन किया है कि हम राम मंदिर बनवाएंगे अपने पैसों से। बाबरी मस्जिद जहां चाहिए किसी भी मुसलमान भाई को वहां बनाने के लिए रेडी है। कोई भी पार्टी, हर हिंदू ये चाहता है कि बाबरी मस्जिद बने, पर उस स्थान पर बने जहाँ उसका सही स्थान है, और राम मंदिर उसी स्थान पर बने जहाँ उसका सही स्थान है। त्याच्यानंतर निवडणूक असं म्हणा की राम मंदिर पण कुठे जाते कुणाला माहिती होत नाही, पब्लिकला हे मुक्त बनवण्याचं काम चालू आहे, आता पब्लिकने स्वतःच डिसाईड करायचं राम मंदिर पाहिजे की कोणत्या पॉलिटिशियनला तुम्हाला निवडून द्यायचं आहे की जो छोटा बोलून तुमच्याकडे वोटिंग घेतात, ते पब्लिकवरती डिपेंड आहे आता, म्हणजे पब्लिक ठरवेल। मुद्दा वही बात, अगर मंदिर बन गया तो क्या हो जाएगा, और मस्जिद बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई हो जाएगा उधर, हजारों मंदिर है, हजारों मस्जिदें हैं, क्या है ये खाली राजनीति है। देखिए राम मंदिर विवाद इससे पहले सामने नहीं आया, क्यों सामने नहीं आया, क्योंकि राजनीति नहीं थी। 2019 का चुनाव जितना नजदीक आता जा रहा है ये मुद्दा उतना ही गर्म पकड़ता जा रहा है। असलियत में होना ये चाहिए कि सबको शांतिपूर्वक बैठ के इस पर विवाद करना चाहिए और सबकी रजामंदी से राम मंदिर को बनाना चाहिए, ना कि किसी पार्टी का राजनीति करके मंदिर बनाएंगे। जय श्री राम, सौ मंदिर राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे। अरे लेकिन तारीख का बताएंगे, हमको तारीख चाहिए, हर हिंदू को तारीख चाहिए। राम मंदिर एक सिर्फ एक राजनीति है, अगर उनको राम मंदिर बनाना होता तो सरकार उनकी है और वो कानून पास कर सकते हो, बना सकते हो। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट होता कौन है बदलने वाला, ये हमारे अंदर हमारी जनता में होना चाहिए कि हम तुम्हारे फैसले को नहीं मानेंगे, हम हिंदू मुस्लिम एक होंगे, हम हमारी मस्जिद भी बनाएंगे या हम अस्पताल बनाएंगे या लाइब्रेरी बनाएंगे, बच्चों के खेलने का ग्राउंड बनाएंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ वहाँ बनाएंगे जो कि आने वाली नस्ल याद रखे कि हिंदू मुस्लिम ने मिलकर इसका फैसला किया। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ किसी भी पार्टी को राम मंदिर के नाम से वोट मत दो, क्योंकि राम मंदिर के नाम से सिर्फ वोट जीते जा सकते हैं, राम मंदिर बन नहीं सकता। और जिस दिन आप राम मंदिर बना नहीं पाओगे, एक एक बंदा ईंट उठाएगा तो राम मंदिर बन जाएगा।